एज वी ऑल नो गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस की जरूरत है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन, और जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस भी लेता है, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी एंड सो ऑन। बेसिकली टैक्सेस या तो डायरेक्ट टैक्स है या तो इनडायरेक्ट टैक्स है। बट क्या आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस पता है? हियर आर थ्री की डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नंबर वन, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। सपोज मिस्टर ए का इनकम 10 लाख रुपीज है, तो उसपे जो टैक्स पेबल आएगा दैट विल बी 62,400 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड, अगर मिस्टर बी का इनकम 20 लाख रुपीज है, तो जो टैक्स पेबल आएगा दैट विल बी 3,12,000 रुपीज। एज कैन बी सीन, हायर योर इनकम मोर विल बी द बर्डन ऑफ टैक्स। ऑन दी अदर हैंड, इनडायरेक्ट टैक्स में वेदर मिस्टर ए कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए या वेदर मिस्टर बी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए, अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट है एंड 12% जीएसटी एप्लीकेबल है, सो बर्डन ऑन बोथ विल बी ओनली ₹12। नंबर टू, आप इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर जब गुड्स होलसेलर को बेचता है तो जो जीएसटी एप्लीकेबल है होलसेलर से रिकवर कर लेता है। सिमिलरली होलसेलर रिटेलर से रिकवर करेगा, रिटेलर कंज्यूमर से रिकवर करेगा। बट डायरेक्ट टैक्स में दिस इज नॉट पॉसिबल। आपके इनकम पे आपको खुद को इनकम टैक्स पे करना है, आप किसी से रिकवर नहीं कर पाओगे। नंबर थ्री, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन रेवेन्यू और सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लेक्चर लेने के लिए 1 लाख रुपीज कोट किया है, तो मुझे जो जीएसटी पे करना है वो 1 लाख पे 18% पे करना है। बट जब मैं इनकम टैक्स पे करूंगा तो मुझे 1 लाख पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होएगा। 1 लाख में से जो भी मेरे एक्सपेंसेस, सैलरी टू स्टाफ, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट पे मुझे टैक्स पेबल आएगा। इफ यू नो एनी अदर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, देन प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स।